Good morning everyone, welcome to this video. In this video today I will explain you your new chapter lesson number 8, safety and first aid. Remember one thing students, during COVID-19 we have to follow some appropriate behaviors. Number one is wear mask properly. आपको जब का मास्क है वो अच्छे से वेयर करना है, अच्छे से पहनना है, जिससे कि आपका माउथ एंड आपका नोज अच्छे से कवर हो जाए. सेकेंड थिंग इज स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स. अगर हम घर से बाहर निकलते हैं या फिर किसी के साथ बातें कर रहे हैं या घर से बाहर हैं तो हमें दूसरे से 6 feet की दूरी पर स्टैंड होना है. नंबर 3, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर. हमेशा हमें अपने हैंड्स थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉश करने हैं, वो भी 20 seconds तक वॉश करने हैं सोप एंड वाटर से. रिमेंबर डू नॉट टच योर फेस. हमें अपने गंदे हाथों से फेस को टच नहीं करना है. डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक विद अदर्स. हमें अपना खाना और किसी से ड्रिंक शेयर नहीं करना है. हेयर आई एम गिविंग सम जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो फॉर यू. डू दिस वर्क नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ये वर्क आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है. सेकेंड थिंग इज दिस होमवर्क विल नॉट बी सबमिटेड. ये होमवर्क जमा नहीं होगा. प्लीज़ इग्नोर द सबमिशन डेट. वर्कशीट के नीचे जो सबमिशन डेट होती है वो आपको इग्नोर करनी है. ओके, नाउ कम टू अवर वर्कशीट. Student, in this worksheet, I am giving you only 2 questions. Take the correct answers and fill in the blanks. ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको लेसन समझाना चाहूँगी. ओके, नाउ टेक आउट योर बुक्स इफ यू हैव. अगर आपके पास बुक नहीं है, डोंट वरी, लिसन केयरफुली ऑल द लेसन. ओके स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस वर्कशीट दिस लेसन ऑल्सो. दिस इज योर लेसन नंबर 8, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. यू मस्ट डू नॉट एनी थिंग्स दैट मे हार्म यू. हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमें हार्म करे. यू कैन बी सेफ बाई फॉलोइंग सम सेफ्टी रूल्स. आपको हमेशा से कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप सेफ रहोगे. लेट अस स्टडी अबाउट द सेफ्टी रूल्स दैट नीड टू बी फॉलो इन अ डिफरेंट प्लेसेस. हर जगह पर किस किस तरीके के सेफ्टी रूल्स हमें अपनाने चाहिए वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सेफ्टी रूल्स एट होम, मैंने आपको आपकी प्रीवियस वर्कशीट में भी बताया था कि हमें क्या सेफ्टी रूल्स अपने घर पे आजमाने चाहिए. ठीक है, अपने घर पे लेने चाहिए. यू स्पेंड मोस्ट योर टाइम एट होम, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना घर पर ही स्पेंड करते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली वर्क. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने डेली लाइफ में. ठीक है, डेली वर्क में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, हमें उन चीज़ों के लिए थोड़ा सेफ होना चाहिए. बट दे कैन बी डेंजरस. वो कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है फॉर द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए. Do not know how to use them, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कैसे क्या यूज़ करना है. Do not touch an electric wire or a switch with wet hands. हमें कभी भी अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिक वायर को और उसके स्विच को नहीं छूना चाहिए. You may get hurt an electric shock. तुम्हें शॉक भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है अगर हम गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच को या वायर को टच करते हैं. Putting things other than a plug into an electrical outlet can also give you a shock. Putting things other than a plug into an electrical outlet, जैसे कोई स्विच आपने देखे होंगे, प्लग्स देखे होंगे, उसके अंदर हमें कुछ भी चीज़ पुट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे भी हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. ओके, टूल्स सच एज एक्सेस, हैमर्स, शॉज एंड स्क्रू ड्राइवर्स कैन बी डेंजरस. कुछ टूल्स हमारे घर पे होते हैं, आपके घरों पे भी बहुत सारे टूल्स होंगे, उन्हें कभी भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, उन्हें बिना पेरेंट्स के उस पेरेंट्स के देखभाल के हमें उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं होंगे व्हेन यू यूज़ दीज शार्प ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये टूल्स बहुत ही शार्प होते हैं, अगर हम इन्हें जब यूज़ करते हैं हम केयरफुल नहीं होते हैं तो ये हमें बहुत ही बैडली तरीके से हर्ट कर सकते हैं. यू मस्ट नॉट प्ले विद मैच स्टिक. हमें कभी भी मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक नियर द गैस स्टॉव. हमें कभी गैस स्टॉव के अगल बगल में मैच स्टिक को लाइट नहीं करना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए. इट मे कॉजेस फायर. ये आग का कारण बन सकती है, आग लगने का कारण बन सकती है. फायर कैन बी डेंजरस, क्योंकि आग भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. इट कैन बी बर्न थिंग्स और हर्ट पीपल्स. ये चीज़ों को बर्न भी कर सकती है और हर्ट भी कर सकती है.
और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि हमें डू नॉट प्ले विद बाउल्स एंड प्लेट्स मेड ऑफ ऑफ ग्लासेस, जैसे कि हमें जो ग्लासेस की बनी होती हैं बाउल्स एंड प्लेट्स उनसे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, जो कि खास तौर पे ग्लासेस की बनी होती हैं। अगर वो नीचे गिर गई हमारे हैंड से तो वो ब्रेक हो सकती हैं, टूट सकती हैं, और जब वो टूटती हैं तो उनके जो टुकड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, जो कि हमारे हैंड्स और फीट में को कट कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ओके, शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स ब्लेड्स रेजर्स एंड नीडल्स कैन बी डेंजरस। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे घर में, नाइफ्स हो गए, चाकू, ब्लेड्स हो गए, रेजर्स हो गए और नीडल्स हो गई, ये बहुत ही साफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हमें कभी भी इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच अ शैलो एनी मेडिशियंस, ठीक है, हमें किसी भी मेडिशियंस को टच नहीं करना चाहिए या फिर उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन वेन यू आर सिक, यहाँ तक कि आप जब बीमार भी हो, टेक मेडिशंस ओनली वेन योर पेरेंट्स आस्क टू यू, अगर आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं तभी आप वो मेडिशंस लोगे, बिना पेरेंट्स के सजेशन के कोई भी मेडिशन आप नहीं लोगे। डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर, हमें अपने बाथरूम में साबुन को नहीं नीचे फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो सोप होता है वो बहुत स्लिपी होता है और कोई भी दूसरा बंदा वहाँ पे आकर के स्लिप और फॉल हो सकता है, स्लिप हो सकता है या फिर उसके ऊपर गिर सकता है। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हमें कैसे कैसे सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए। इन्फॉर्म योर पेरेंट्स बिफोर यू गो आउट टू द प्ले, अगर हम बाहर खेलने जा रहे हैं तो हमें अपने पेरेंट्स को बताना है। डू नॉट पुश योर और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग, अगर हम किसी के साथ खेलते हैं तो हमें उन्हें कभी भी पुश और पुल नहीं करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए जब हम स्विंग कर रहे हों खास तौर पर या फिर सीशॉ गेम खेल रहे हों। डू नॉट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग, हमें कभी भी चलती हुई स्विंग के आगे स्टैंड नहीं होना चाहिए। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, और अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि हमें रोड पे कैसे सेफ्टी रूल्स लेने हैं। वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल, अगर हम जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं, साइकिल हम राइडिंग करते हैं, ऑलवेज चेक वेदर द ब्रेक्स आर स्मूथ एंड वर्किंग फाइन, हमेशा पहले उसको राइडिंग करने से पहले हमें उसके ब्रेक्स चेक करने चाहिए और देखना चाहिए कि वो स्मूथली फाइन है, वो वर्क अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बी केयरफुल फॉर द ऑफ द बिग पोटर्स ड्रग्स इन द ग्राउंड्स, इफ़ यू फॉल इन टू वन यू माइट हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू गेटिंग आउट इन, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे ग्राउंड्स में डग्स बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, ठीक है, अगर हम उनसे उन पर गिर जाते हैं, उनके अंदर गिर जाते हैं तो हमें वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं। द ट्रैफिक लाइट्स आर ऑल्सो आर फॉर द कार्स, जो ट्रैफिक लाइट्स है जो कि कार्स बसेस एंड स्कूटर्स के लिए होती है, ठीक है, ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि रेड लाइट टेल अस टू स्टॉप, जो रेड लाइट होती है वो हमें क्या कहती है, स्टॉप करने को कहती है। येलो लाइट टेल अस टू वेट, और येलो लाइट क्या कहती है कि वेट करो, मतलब कि बी अलर्ट। ग्रीन लाइट टेल देम टू गो, और जब ग्रीन लाइट शो होने लग जाती है तो इट मीन्स दैट कि आप आगे चल सकते हो। द पाथ अक्रॉस द रोड दैट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स इज कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, आपने बहुत बड़े बड़े शहरों में देखा होगा स्टूडेंट्स कि रोडों पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स की लाइंस बनी होती है, वो लाइंस आपकी क्या कहलाती है, जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और हमेशा हमें रोड कहाँ पे क्रॉस करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करनी चाहिए। ओके, नाउ इफ़ जेब्रा क्रॉसिंग इज़ नॉट देयर, अगर कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, देन चेक फॉर द कमिंग ट्रैफिक, तो हमें आने वाले ट्रैफिक को चेक करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली वैन द ट्रैफिक हैज़ स्टॉप्ड, और हमें तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए जब आपका ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है। ओके, इट मीन्स दैट पहले हमें लेफ्ट साइड देखना है, देन हमें राइट साइड देखना है, देन अगेन हमें लेफ्ट साइड देखना है, उसके बाद हमें रोड को क्रॉस करना है जब कोई व्हीकल्स ना आ रहा हो। ओके, रोड पे नेक्स्ट इज सम नैरो रोड्स हैव नॉट ट्रैफिक सिग्नल्स, कुछ रोड्स बहुत नैरो होती हैं जिनमें ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते हैं और जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं होती है। टू हेल्प अस क्रॉस द रोड, और हमें रोड क्रॉस करने के लिए कोई हेल्प नहीं होती है वहाँ पे एट सच रोड्स, इन रोड्स में हमें क्या करना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया, लुक एट योर लेफ्ट, आपको लेफ्ट देखना है, देन टू योर राइट, फिर आपको राइट देखना है, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन आपको लेफ्ट देखना है,
इफ इट इज क्लियर, अगर रोड आपको क्लियर लगती है देन क्रॉस द रोड, तो आप रोड को क्रॉस कर सकते हो। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमेशा हमें वॉक कहाँ पे करना है, फुटपाथ पे। रोड के साइड पे आपको एक छोटी रोड दी जाती है जो कि फुटपाथ कहलाती है, हमें वहाँ पर चलना है। नेवर प्ले ऑन प्ले और रन ऑन द रोड, हमें कभी रोड पर प्ले और रन नहीं करना है। ऑलवेज प्ले एट सेफ प्लेसेस सच एज, हमेशा हमें सेफ प्लेसेस पे प्ले करना चाहिए, जैसे कि आपके पार्क्स हो गए एंड अ प्ले ग्राउंड और प्ले ग्राउंड खेल के मैदान, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स इन द बस। स्टूडेंट्स हमारे, हम जब बस में सफ़र करते हैं, जैसे कि आपका कभी आप स्कूल जाते हो तो स्कूल बस में आप स्कूल आते हो, ठीक है, या फिर कभी आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, तो आप बस का यूज़ करते हो, बस से जाते हो, तो वहाँ पर भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग द व्हीकल, हमें कभी भी उस पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है, इट मीन्स दैट ड्राइवर। Never get in or move out from the moving bus. हमें कभी भी moving bus से get in नहीं करना चाहिए, ठीक है, और मूव आउट नहीं करना चाहिए, जैसे चलती हुई बस से उतर जाना, चलती हुई बस पे चढ़ना, ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट पुट योर हैंड और एनी अदर्स बॉडी पार्ट्स आउट फॉर द मूविंग व्हीकल्स, कभी भी चलती हुई व्हीकल्स पे से हमें कभी अपना हैंड, कभी अपना हेड और बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये भी आपको बहुत गंदे तरीके से बैडली से हर्ट कर सकता है, ठीक है। सेफ्टी रूल्स एट द स्विमिंग पूल्स, आप स्विमिंग पूल के जो सेफ्टी रूल्स हैं मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको आपकी वर्कशीट समझाती हूँ। नाउ कम टू अवर वर्कशीट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, टेक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1 इज दिस शुड बी यूज फॉर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए। ए जेब्रा क्रॉसिंग, बी फुटपाथ, 3 स्टिक, हमें रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ए इज़ द आंसर। नंबर 2 यू शुड नॉट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ, हमें किसके आगे नहीं खड़ा होना चाहिए। ए इज़ ट्री, बी इज़ मूविंग स्यू स्विंग, सी इज़ रेफ्रिजरेटर, हमें किसके आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, मूविंग स्विंग के आगे। नंबर 3 ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम, हमें किससे स्टे रहना चाहिए, हमें किससे दूर रहना चाहिए, क्लॉथ से, चॉकलेट से या शार्प ऑब्जेक्ट से, हमें शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें कहाँ खेलना चाहिए, ऑन द रोड, रोड पे खेलना चाहिए, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में खेलना चाहिए, या फिर इन द पार्क, हमें पार्क में खेलना चाहिए। नाउ कम इन द फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 क्रॉस द रोड एट डैश क्रॉसिंग, कहाँ पर हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, एट जेब्रा क्रॉसिंग। बी डैश वाइल स्विमिंग, बी सेफ वाइल स्विमिंग। नंबर 3 प्ले इन अ डैश प्लेस, हमें कैसे प्लेस पे खेलना चाहिए, सेफ प्लेस पे। नंबर 4 वी शुड नॉट प्ले विद, हमें किससे नहीं खेलना चाहिए, विद फायर। वाइल प्लेइंग डू नॉट डैश अदर्स, किसको नहीं, क्या नहीं करना चाहिए हमें खेलते हुए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट गेट आउट ऑफ अ डैश बस, क्या किस बस से बाहर नहीं होना चाहिए, मूविंग बस। ओके स्टूडेंट, आज मैंने आपको टेक द करेक्ट आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जिनके फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने आंसर्स आपको सारे बता दिए हैं यहाँ पे, और टेक द करेक्ट आंसर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके आई होप यू हैव टू बी अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल, इट विल बी हेल्प यू टू डू योर वर्कशीट। बाय एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।